जो स्टॉक है वो मेटल स्पेस से है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल स्पेस में जो ये प्रॉफिट बुकिंग है या ये पुल बैक है, ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक है जीएमडीसी, मैंने एक बार पहले भी रिकमेंड किया था, 65 के सर्वे वहां से मूव हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि 80 जाने के बाद वापस 72 के आसपास मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंट्री। यहाँ से अगर फॉर सम रीजन 70 तक आता है तो भी मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, 64 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए अगर आप फंडामेंटली स्टॉक को देखोगे तो समझ पड़ेगा कि 2,300 करोड़ की कंपनी और महज 12 के पी पे मिल रही है, और जिस हिसाब से ग्लोबल मेटल प्राइसेस का साइकिल टर्न हो रहा है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी इन द आयरन ऑर प्राइसेस एक बार सस्टेन हो जाए, एक बार थम जाए, उसके बाद में मुझे लगता है कि द स्टॉक इज लाइकली टू गो वेरी वेरी फास्ट फ्रॉम द करंट लेवल। और दूसरे सारे पैरामीटर पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। जो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 140 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ट्रिमेंडस है। ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखोगे, 1.5 साल का चार्ट, तो बहुत ही लार्ज स्केल का एक इनोडेड एडेंचुलो बना है जिसका टारगेट 115 आ रहा है। तो मुझे लगता है टारगेट अबो 100 के लिए यहाँ पे जीएमडीसी को खरीदना चाहिए, 70 तक मिलता है तो और अक्यूमुलेट करें, 64 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अपना डेली क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है 100 प्लस पे टारगेट के लिए इसको डेफिनेटली बाय करके रख सकते हैं। ओके, तो जीएमडीसी यहां पर रखिए नजर, टिकट में जा सकता है ये काउंटर, विश्वेश जी की है ये पसंद।